सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर से पर्दा उठाते हुए घटना में शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जीतू पुत्र अशोक, जो कि थाना खुर्द जिला सोनीपत का रहने वाला है, बीती 17 अगस्त को उमेश सिंह पुत्र राम सिंह निवासी कानूंदा जिला झज्जर ने थाना खरखुदा में शिकायत दी थी कि मेरे लड़के शमशेर की कार के अंदर आग लगाकर हत्या कर दी गई है। यहां पर हम बताते चले, खरखुदा में जलती हुई कार की पिछली सीट पर जली अवस्था में शव मिला था। पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ पर उसने बताया कि अपने साथियों के साथ मिलकर पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा था, जिस कारण उसने शमशेर को कार में ही जलाकर मार डाला। सोनीपत 24 के लिए सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। ये 15 तारीख की रात को शमशेर था कानूंदा का रहने वाला, उसकी गाड़ी जली हुई मिली थी, तो बाद में पहचान हुई कि मरने वाले की डेड बॉडी थी वो शमशेर ही था कानूंदा का। अभी उसमें एक मुलजिम को अरेस्ट कराया है, गीतू है, ये थाना खुर्द का रहने वाला है। ये इनका कोई पैसे का लेन देन था, और जयवीर है छोटा थाना का, उसने और उसके बेटे ने और गीतू ने इसका मर्डर करके और बॉडी को गार्ड में ही जला दिया। सर, किस तरह वारदात को अंजाम दिया है इन्होंने? ये जयवीर के घर में गांव थाना खुर्द में ही उसको गंडासियों से काट के और उसको उसी की गाड़ी में डाल के और उसको खरखुदा के एरिया में ला के जला दिया। सर, ये आरोपी से पूछताछ की हो, प्राथमिक पूछताछ में क्या बताया है? अभी इसको वैसे 2 दिन के रिमांड पे लिया है, पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन इसने बताया है कि पैसे का लेन देन था इनका मरने वाले का और उसी के कारण से इस घटना को अंजाम दिया। श्री, बाकी जो 2 आरोपी भी कौन है? वो जयवीर और उसका बेटा सागर है, उनकी तलाश कर रहे हैं। पिता पुत्र? जी जी। शादी सुनी रची थी मारने की? जी जी।